विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 विषय हिंदी इकाई 8 मुस्कान के मोती पेज नंबर 45। मुस्कान के मोती ये उखाण आपने गुजराती में कहिए, ये है कि हास्य मनुष्य के जीवन को शक्ति प्रदान करता है, दीर्घायु भी करता है। हंसी क्रोध चिंता और क्षोभ को भगा देती है, साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। हमारे चारों ओर हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है, आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। मुस्कान के मोती रूप में यहाँ ऐसे कुछ चुटकुले दिए गए हैं। चिंटू, तुमने राजू को क्यों चाटा मारा? पिंटू, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। कितने दिन पहले? 15 दिन पहले। चिंटू, तो फिर 15 दिन के बाद आज ही क्यों चाटा मारा? पिंटू, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस को देखा। जब मैंने उसको देखा कि हिप्पोपोटेमस ऐसा होता है, इससे पहले मुझे पता ही नहीं था। दूसरा, पति, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूंगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी, वह कैसे? पति, देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी बोली, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए, तो वो तो याद नहीं है। तीसरा, भिखारी, 1 रुपया दे दो साहब, भरत कल आना। भिखारी बोला, कल आने के चक्कर में मोहल्ले के लाखों रुपए मेरे फंसे है। रोज आता है और मोहल्ले में सब यही बोलते हैं, कल आना। आगे, शिक्षक, रमेश, 50 में से कितना कम करने से 5 बचते हैं? रमेश, गुरुजी 0 निकाल दीजिए तो 5 बच जाएंगे। सुशील, मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियां खरीदते हैं ना, तो सारी तिल्लियां जो अपन जलाते वो तिल्लियां सलिया कम तो नहीं है? गीता, मेरे पिताजी माचिस की डिब्बी खरीदते हैं ना, तो साली जला जला कर देखते हैं कि इसमें से जलेगी तो सही ना, तो कैसे बुद्धू होते हैं। आगे, सुरेश, यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश, 1 कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश, क्या बताऊ यार, वह आदमी की जेब में मेरी कार नीचे आ गया। वो जेब में कांच की बोतल भरी हुई थी और वो आदमी मेरी कार के नीचे आ गया। देखो, ये मंदिर दिया गया हुआ है और जूते पहनकर बाहर से बोलता है कि भाई मैं जूते बाहर नहीं निकालूंगा। फिर ये रावण डॉक्टर साहब, मेरे सिर पर दर्द, पता नहीं चलता कौन से सिर पर दर्द है, तो आप उसका इलाज की। आगे है, शीर्षासन कर रहा है हाथी के सो मनुष्य, तो आप इस चित्र में हाथी की बारी आई, तो हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है, तो आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए, बनाइए ऐसा एक चित्र, जरूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर दो। अब अभ्यास पाठ, इकाई में दिए गए चुटकुलों को 2-2 टुकड़ी में अभिनय के साथ प्रस्तुत कीजिए, तो अभिनय करके प्रस्तुत करो। प्रश्न नंबर 2, आप सुने मजेदार चुटकुले, सुनाए। आप कुछ सुने हुए हो तो अपने मित्र को सुनाए। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार 1 शब्द रखकर चुटकुला बनाइए। तो अब ये चुटकुला कैसे बनाएंगे आप? तो इसमें आएगा शिक्षक हेतल मिठाई नहीं खाती है, उसमें हेतल ने क्या कहा? छात्र मूर्ख, माँ बेटे घर में कुत्ता कैसे आ गया? बेटा चल कर। दुकानदार, आप सबसे खड़े चीजों को देखते हैं, आप क्या करना चाहेंगे? मौका। ग्राहक बोलता है, मौका। न्यायाधीश, बैंक का दरवाजा तोड़ने का कारण बताओ। चोर बोले, ताला। एक भुलक्कड़ आदमी ने इलाज के लिए अस्पताल में गया और अपनी भूल जानने की बीमारी के बारे में बताया। डॉक्टर, यह आदत आपको कब से है? भुलक्कड़ याद नहीं रहता। प्रश्न नंबर 4, भी हंसोगे भी, निम्नलिखित प्रश्नों का हाँ या ना में उत्तर दीजिए। क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? ना। क्या तुम अकेले पागल हो? ना। मेरे दिए कुछ 500 रुपए खर्च कर दिए हैं? हाँ। प्रश्न नंबर 5, क्या आप हर प्रसंग और जगह को हंसता रहना चाहिए, कारण सही है? हाँ, हंसना उचित है, हंसने वाली बात हो। हमारा व्यवहार प्रसंगानुकूल होना चाहिए, हर प्रसंग में हर जगह हंसना मूर्खता है, अशिष्ट है और पागलपन भी है। अब देखेंगे स्वाध्याय।
स्वाध्याय में क्या है? तो प्रश्न नंबर एक, आपके जीवन में कई प्रसंग ऐसे घटे होंगे जब किसी गंभीर या सरल बात पर आप जुड़े, कुछ बोले, हंसे का माहौल बना, वो चुटकुला याद कीजिए। तो याद करिए। प्रश्न नंबर दो, भाषा की सूची खूबी अनेक शब्द, अनेकार्थी शब्द के विभिन्न अर्थों का उपयोग, जैसे शीर्षक, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? छात्र, क्योंकि वह कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते हैं। सोना धातु और सोना निंद्रा अवस्था। इस तरह बस। पिताजी, बेटा क्या थक गए, थोड़ा ही तो चलना है। बेटा, पिताजी अब और नहीं, बस। पिताजी, दिशा बेटा बस यहाँ नहीं आती है, पैदल ही चलना होगा। तो बस के दो अर्थ। दादाजी, 4 वर्ष के पोते से तुम इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं? पोता, दादाजी क्या प्रश्न ही की भी उत्तर की, उत्तर तो दिशा है। कर, पति देखो सरकार ने आमदनी पर कर बढ़ाया, कर यानी टैक्स। पति सरकार, काम ही तो क्या है, वह जहाँ चाहती है भिखारी की तरह कर हाथ भी बढ़ा देती है। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार चुटकुले की पूर्ति कीजिए। मालिक, तुम बड़ा गधा है नौकर, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करो मालिक, आप बड़े हो। आगे, पतली सी गली में 2 आदमी आमने सामने आ गए। पहला आदमी, हटो बीच में से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। दूसरा आदमी, रास्ते से हटते हुए, पर मैं तो देखता। आगे, न्यायालय में 2 व्यक्ति वकील। पहला वकील, तू गधा है। दूसरा, तू बड़ा गधा है। पहला वकील, तू बड़ा गधा है। न्यायाधीश, ऑर्डर ऑर्डर, आपको इन ध्यान रखना चाहिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ। आगे, लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का पिता, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। लड़का, जी मैं यही चाहता हूँ, इसीलिए मुझे शादी कर दीजिए। आगे, योगेश, यह गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? रमेश, दिखता नहीं है, मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है। योगेश, यार तू चुप कर, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। 5, सामने से गधे आते हुए देखकर, पति देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। पत्नी, जी हाँ रिश्तेदार तो है, पर आपसे शादी करने के बाद ही। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कहानी को पढ़ से अलग शब्द कोश क्रम में रखिए, जैसे कुत्ता, खरगोश, शिकार, सांस, चरवाहा, दौड़, जीत। तो शब्दकोश के क्रम अनुसार कुत्ता, खरगोश, चरवाहा, जीत, दौड़, शिकार और सांस आएगा। तो विद्यार्थी मित्र, ये 8 सभी विद्यार्थी को ध्यान से हिंदी की नोटबुक में चुटकुले समझकर पढ़कर लिखना है। अस्तु।